भाइयों और बहनों, देश में अगर महामिलावट वाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्याण होता। इन लोगों की प्रवृत्ति अपना विकास करने की है, देश का विकास करने की नहीं है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक से बढ़कर एक अनेक योजनाएं शुरू की। देश में नए नए हाईवे का निर्माण, गांवों तक सड़क का निर्माण, सबको शिक्षा का अभियान, उन्होंने कितनी ही योजनाएं शुरू की। लेकिन जब कांग्रेस और उनके साथी सरकार में आए तो सारे कामों की रफ्तार धीमी कर दी गई। हमारे नीतीश जी तो खुद गवाह है, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उनकी शुरू की गई सारी अनेक योजनाओं को भी कांग्रेस ने 10 साल में आगे नहीं बढ़ने दिया। गंगा पर बने दो पुल इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया था। उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह करते हैं। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है।